लोकसभा चुनाव का आज डेट अनाउंस हो जाएगा। डेट से पहले बिहार में एनडीए गठबंधन जीतोड़ मेहनत कर रही है और ये कह सकते हैं कि बिहार में सीटों का बंटवारा अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 17 सीट पे, जदयू 16 सीट पे और चिराग पासवान 5 सीट और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन अमाझी की पार्टी 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये बता रहे हैं कि आज चुनाव आयोग शाम को 3 बजे डेट अनाउंस करेगी। उससे पहले बिहार में सीटों का बंटवारा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 1 घंटा तक बातचीत किए हैं और सीटों का जो फार्मूला है उसको लेके बातचीत हुआ है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि इस समय जो बैठक हुई है 1 घंटा में, तो उसमें संजय झा और ललन सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू से, उनके सामने सम्राट चौधरी ने पूरा फार्मा तैयार किया गया जो लोकसभा चुनाव में कौन सीट पे कहाँ कहाँ कौन लड़ेंगे, कौन सी पार्टी लड़ेंगे, उसका 1 घंटा तक विचार विमर्श हुआ है। और अब ये लग रहा है कि जैसे ही चुनाव आयोग डेटों का घोषणा करेगी, अनाउंस करेगी, उसके बाद बिहार का जो एनडीए का जो सीट है उसकी भी घोषणा होनी है। और ये कह सकते हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि आज देर शाम तक बिहार में जो एनडीए की सीट शेयरिंग है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो जिसको लेके उप मुख्यमंत्री हो और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए 1 घंटे तक एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर बैठकें हुई हैं, जिसमें संजय झा थे और ललन सिंह थे। और इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगा, उससे पहले क्या क्या करना था वो आज 3 बजे से पहले कर लेना है बिहार सरकार को। लेकिन और ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो आज 3 बजे घोषणा करनी है और उससे पहले बिहार में जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है और उसको लेके विभाग कौन कौन से कौन मंत्री को मिलेगा उस पर भी बातचीत हुई है। और लगभग अभी से आगे 2 से 3 घंटा के अंदर में ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि जो मंत्री कल 21 मंत्री ने अपना शपथ लिया है उनको कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी घोषणा कर देनी है। लेकिन उसको लेके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पार्टी ऑफिस में सभी मंत्रियों को बुला के बैठक बुलाए हैं और उनको समझाया जाएगा कि जो जो विभाग मिला उस पर कैसे कैसे काम करना है। और हम ये कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी लगभग 1 घंटा तक 2 मुद्दा पर बातचीत किए हैं, जो आज पूरे देश भर में आचार संहिता लागू होगा उसको लेके सीट शेयरिंग कैसे होनी है और कौन सी पार्टी या कौन सा लोग कहां कहां से लड़ेंगे, इस पर विचार विमर्श हुआ है। और साथ ही साथ जो मंत्री पद की जो कल शपथ ली है उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, मुख्यमंत्री से राय मशवरा लिया गया और मुख्यमंत्री इस पर सहमति भी दे दी है। तो आने वाले अगले से 2 से 3 घंटा में कौन से मंत्रियों का विभाग कौन होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मुद्दा पे काफ़ी गंभीर हैं और आज शाम 3 बजे आचार संहिता पूरे देश में लग जाएगी। तो एनडीए कितना सीट पे कहां कहां कौन कौन सी लोगों को उतारेगी, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। आलोक कुमार दास, पटना।